Mr. Sarkar, I understand that you have opened a retail store in the busiest juncture of Karol Bagh. What was the idea behind it, and where do you see the projections and the movement of the sales? Actually, पहले बात ये है that हम आज बहुत खुश हैं इस retail shop को खोलने के लिए, क्योंकि ये भारत सरकार का एक संस्था है, Central Electronics Limited. हम इसको limited नहीं रखना चाहते हैं, साइबाबाद का अंदर ही. तो हम चाहते हैं पूरा भारतवर्ष में हो. ये पहला मतलब आउटसाइड ऑफ सीएल ये पहला है. अभी इसके बाद हम पुणे भी करने जा रहे हैं, उसके बाद चेन्नई भी करने जा रहे हैं. तो क्या हमारा पर्पस ये है कि हम पूरा भारतवर्ष में ये जो चीज़ है सोलर का मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का जो हम प्रचार करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये प्रचेष्टा है सब भारतवासी ये इसको यूटिलाइज करें. ये जो हमारा एप्लीकेशन है, हम सोलर इंडस्ट्री में एक पायनियर इंडस्ट्री है और हर तरीके का एप्लीकेशन हमारा पास उपलब्ध है. हम क्यों चाहते हैं सब भारतवासी इसको यूटिलाइज करें. इसके लिए आप देखेंगे तो ये है हमारा जो सोलर लैंटर्न है. ये जहाँ पर खास करके शहर में इतना नहीं है, जहाँ पर पावर फेल्योर है वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है. लेकिन रूरल एरिया में, गांव में, जहाँ पर बिल्कुल पावर का मुश्किल है, पावर नहीं है, और मान लीजिए आज का दिन में जैसे फ्लड है, 8-10 दिन पावर नहीं है, उस जगह में ये जो सोलर लैंटर्न है ये बहुत काम का है. क्योंकि इसके साथ ही सिर्फ लाइट ही नहीं देंगे, इसके साथ मोबाइल चार्जर, ऑल फैसिलिटीज आर देयर. सो दैट मतलब क्या है, मतलब आजकल क्या होता है, पावर चला जाता है तो मोबाइल चार्ज भी नहीं होता है, कम्युनिकेशन अलग हो जाता है, पूरा दुनिया से आदमी अलग हो जाता है. हम इस देखते हुए ये सॉल्यूशन हम निकला. इससे क्या होगा, वो अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकेंगे. उसके साथ ये देखिए, सोलर के पहले मैं बताता हूँ, जो हर तरीका का लेवल ऑफ सोलर मॉड्यूल है हमारा पास. ये फ्लेक्सिबल है, और उसके बाद हमारा ये बड़ा 300 वाट का 300 प्लस है, आजकल 300-370 भी हम जा रहे हैं. ऐसा बड़ा पैनल है, इसमें हम बेसिकली दिस काइंड ऑफ पैनल हमारा जो पावर प्लांट है, मेगावाट लेवल पावर प्लांट है, उसमें ये यूटिलाइज होता है. फ्लेक्सिबल जो है हमारा ट्रेन में, ट्रेन का ऊपर भी हम इसके यूटिलाइज किया, फ्लेक्सिबल ऊपर रहने को. तो इससे जो एनर्जी आता है वो हमारा ट्रेन का अंदर लाइटिंग, फैन, एवरीथिंग चल सकता है. हमारा एक मॉड्यूल भी है, हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पीयूष गोयल दे हैव लॉन्च ए ट्रेन जो कि साइंस ट्रेन बोलते हैं हम उसको, टू डिस्प्ले ऑल ओवर द कंट्री. एंड उसमें क्या है ना, टोटल ट्रेन का ऊपर जो है ये पैनल लगा हुआ है, उससे एनर्जी मिल रहा है और वो भी चल रहा है. तो ऐसे हमारा बहुत सारे एप्लीकेशन है, ये तो यहाँ पर ये दिखाया गया है. और उसके बाद स्ट्रीट लाइट, सोलर पंपिंग, बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे पास है. तो अभी सिर्फ ये जो रिटेल है, रिटेल में जो जो यूज़ घर में यूज़ हो सकता है, अपना साथ के ऊपर इसको लगा के वो घर में कुकिंग भी कर सकते हैं, और ये लाइट भी यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशन जो हम सोलर एनर्जी से लेके हम बिना बिजली में ये सब चला सकते हैं. तो हमारा प्रोसेसटा ये है पूरा भारतवर्ष में ये सोलर एनर्जी यूटिलाइज करें, हर
वाशी, और उससे क्या है, ये बेसिकली ग्रीन एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी से क्या होगा, पोल्यूशन कम होंगे, और एक बार इन्वेस्ट करेंगे तो फिर 25 इयर्स हमारा गारंटी हो जाता है, तो 25 इयर्स तक ये चलेगा। तो ये क्या रिप्लेसेबल 25 इयर्स तक का गारंटी है? नहीं नहीं, गारंटी हम 25 इयर्स नहीं देते हैं, ये 25 इयर्स हमारा गारंटी है और ये मॉड्यूल का है। लेकिन उसके बाद पीरियोडिकली ये सब पावर प्लांट में यूज होता है, तो इसके लिए पीरियोडिकल सर्विस चार्ज भी लिया जाता है, बाकी हमारा 25 इयर्स तक ये चलेगा। जैसे सरकार, ये कंपनी 1970s की कंपनी है, बट विद द टर्नओवर दैट इज बीइंग सीन, इट इज not a very lucrative in terms of the volume that business that you could generate. Is there any reason, or how do you want to supplement that? Now we have changed that strategy of our business. Initially we have basically four vertical area of production. So one is defense, another is your solar module, another is railways and security surveillance. See, railway and defense business basically is a particular organization or the customer. So unka requirement ke hisab se turnover wahan par us section mein ho jata hai. But in the solar area we can increase our turnover. So this year our turnover will be almost going down. So we have a huge order and we have a strategy we have already made. So within next 25, we are going to 2000 crore turnover company. What is the breakup, if you may like to give, with the government turnover and the business that you generate with the general public at large or the private sector or with the individuals? What is the government business that you generate over a period of time? You said about railways and the defense. See, defense is our fixed customer. Defense is very critical item that we are manufacturing. Mainly in the radar, you know, the based on the requirement, we are the only supplier in this country and only for we are manufacturing for the defense. So defense ka requirement ka hisab se hi hum product kar sakte hain. Usse alawa hum we cannot go bahar outside of the country also because of the restriction of the government. So some of the defense product is also there which is totally restricted. And it is just this organization, basically R&D based organization, we are taking the technology from DRDOs, IITs and CSL labs. And the ultimate aim of the government is self-sustainable. So whatever technologies is developed within the country, we are taking it so that we'll be self-sustainable, we will not be dependent on the foreign country. So that is our aim. In that direction, we have taken a lot of technologies recently and a lot of components for the defense we are going to develop. What is the business amount, if you can give some numbers on the defense as well as all the PSUs that you are working with or the government organizations? See, all PSUs are doing in a different areas. Our product is only the defense product. We are the only one. Nobody is manufacturing. So yesterday also I have a discussion with the Secretary Defense and they have a huge requirement. So basically as on date, whatever order it will come to us, will manufacture. So I am asking for them for different new product that has been generated. For example, bulletproof jacket, laser fencing, there are many more product that has been developed indigenously within the country, and that is a substitute for the import. So that is a huge benefit of the government of India, because even the cost we are charging from the government itself will save around 75% government cost of that product will save. So it is a huge saving of the government. So basically Atmanirbhar Bharat jo government अनाउंस किया है उसी डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं. तो दैट इज ऑन रेलवे प्रोडक्ट वी आर ऑलमोस्ट 60% मार्केट शेयर आवर्स एंड वी आर ऑल्सो 2 decades वी आर सप्लाइंग टू रेलवे आवर सिग्नलिंग सिस्टम्स वी आर सप्लाइंग एंड बेसिकली फॉर द सिक्योरिटी पर्पज एंड फॉर सेफ्टी पर्पज. सो देर आर मेनी टेक्नोलॉजीज ऑल्सो रिसेंटली वी हैव डेवलप्ड, नोबडी हैज सच टेक्नोलॉजी. So we will be only one. So
some basic requirement is required from the railway, because RDOs is approved. Without that, they cannot give the order. So we have technologically, we have already developed and it has submitted to RDSO. When they will give the clearance, we will give the manufacturer that. One last question. Third, and a very small question, sir. With the Chinese being blocked, China is not coming in the Indian market anymore, and panel, solar panel and renewable energy, China has a obviously a world edge on that. Do you think that with the Chinese being blocked, your products will find a bigger stake in the market and a bigger business? So it is not a, it is a big challenge for the country, I'll tell you. The all solar module business has, government has taken a big challenge over it, because you know that government has a target of 120 gigawatt power plant installation in this country by 2022. However, the basic component is wafer, then cell, then this panel. So, but actually wafer is the major supplier is the China, but still government has taken a lot of, nowadays almost every day there is a meeting on that, how we will manufacture this thing. And cell manufacturing, of course, already there are many organizations has taken up, and it will be indigenously developed. So government is imposing a lot of policy issues in this regard. However, there are many other organizations in the other countries also where that will be, it will not be an issue within 2 years. Download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang devotional online radio.